हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। देश भर में इस फिल्म का विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी स्थानीय लोगों ने इस फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है। थिएटर पहुंचकर दर्जनों की संख्या में लोगों ने विरोध करे हुए मुंडन कराया तो वहीं फिल्म के पोस्टर भी उतारे। स्थानीय लोगों ने थिएटर में जमकर नारेबाजी करते हुए थिएटर में तालाबंदी कर दी। साथ ही थिएटर मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए फिल्म न चलाने की बात लोगों ने कही। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में भगवान के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिल्म के संवाद पर भी लोग इसका काफी विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो फिल्म अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। हमारे भगवान राम आराध्य हैं और आपको पता होगा और पूरे विश्व को पता है, हमारे भगवान राम की वजह से सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों हिंदुओं ने, सनातनियों ने, जब से 1428 में बाबर आया था, बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था, जब से लेके आज तक 5.5 और 6 लाख हमारे राम भक्तों ने हमारे प्राणों की आहुति दे दी है। और हमारे भगवान राम को और उनके चरित्र को और हमारी माँ सीता के जो वस्त्र और उन्होंने जो कपड़े दर्शाए गए हैं और उसके जो फिल्म के डायलॉग वगैरह हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य, हमारे रग रगों में भगवान राम का खून दौड़ रहा है। क्योंकि देश में सेंसर बोर्ड भी होता है और भाजपा की सरकार है, तो ऐसे सेंसर बोर्ड पर कैची कब चलेगी? नहीं, सेंसर बोर्ड ने, अब हमें समझ में नहीं आ रहा ये सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्मों की कैसे परमिशन दे देते हैं। अगर दी है परमिशन, इसलिए तो इसका विरोध हो रहा है। फिल्म के निर्माताओं ने बोला है कि इसके डायलॉग चेंज करके फिर से इसको जारी करा जाएगा, तो क्या आप सहमत रहेंगे? डायलॉग के अलावा माँ सीता का जो आपने वस्त्र देखे हैं और उनका जैसे रावण का और उनका जो दिखाया गया है, तो वो बहुत ही बेकार उसमें है। तो जैसे डायलॉग चेंज हो जाएंगे इसके बाद फिल्म चलने देंगे आप? डायलॉग चेंज हो, अगर हो भी गए, डायलॉग चेंज हो गए और उसमें भगवान के और माता के अगर कपड़े, उसमें वस्त्र जो पहले आपने रामानंद सागर जी की वो देखी होगी, रामायण देखी होगी, उसमें माता सीता को कितने शालीनता से उसमें दिखाया गया था। उसमें आप देख रहे होंगे एक नाव पे बैठ के माता हमारी सीता माता को कैसे दिखाया गया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपने असुरा में आज क्या किया टॉकीज पर? आज हमने वहाँ पर बहुत सारे लोग जो फिल्म देखने आए हुए थे, उनसे हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया है ऐसी फिल्मों को ना देखें, क्योंकि अगर ऐसे अगर फिल्में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश होता है ऐसी फिल्में से, उनको ये गलत सीख। ये शो आपने आज ही बंद कराया कि लगातार बंद ही रहे? नहीं, आज बंद करा दिया है और हम आज ताला लगा के जा रहे हैं यहाँ पर। अगर ये आदि पुरुष यहाँ पर अशोकनगर में चलेगी तो आज हमने सांकेतिक अल्प सूचना पर इन लोगों सब लोगों के साथ में ताला लगाया है। अगर ऐसी लगती है तो इसका जिम्मेदार टाकीज के मालिक होंगे और उसके स्टाफ होंगे, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान राम के प्रति हमारी आस्था है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं।